हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी X7 सीरीज की। ये एक 5G सीरीज होने वाली है जिसमें आपको मिड रेंज सेगमेंट एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, पहला होने वाला है रियलमी X7 एंड X7 प्रो। इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में काफ़ी बेटर स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, कुछ ही समय पहले रियलमी 7 को लॉन्च किया गया था और उसके प्रो मॉडल को भी। उनमें जो भी कमियां रह गई थी उनको दूर करके इन स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया जाएगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में और क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए। सो गाइज, माधव सेठ ने ये कंफर्म किया है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स आपको काफ़ी जल्द देखने को मिल जाएंगे। उनके एक लेटर में ये कंफर्म किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आपको ये दोनों स्मार्टफोन्स बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रियलमी X7 की और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.4 इंचज की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाली है। लेकिन गाइस, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा और ये चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको MediaTek Dimensity 800U का चिप देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसे कंपेयर करें Qualcomm Snapdragon 765G से तो इसका अंतुतु स्कोर इक्वल आता है और ये स्मार्टफोन 6GB एंड 8GB की LPDDR4X के रैम सपोर्ट के साथ आने वाला है। बात करें कैमरा सेटअप की तो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 64MP के प्राइमरी सेंसर के साथ और 32MP का एक पंच होल सेल्फी कैमरा जो कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस, इस स्मार्टफोन में 3.5mm हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलने वाला है। बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो 4300mAh की बैटरी कैपेसिटी जो कि 65W के फास्ट चार्जर सपोर्ट के साथ आने वाली है। इससे आप अपने स्मार्टफोन को 33 मिनट में 0 to 100% फुल्ली चार्ज कर पाएंगे। और गाइज, ये स्मार्टफोन 20,000 के अराउंड लॉन्च हो सकता है। तो गाइज, बात करें इसके प्रो मॉडल की, उसमें 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। और जो इसमें आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो होने वाला है MediaTek Dimensity 1000 का जो कि एक फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस दे पाएगा। अगर हम इसे कंपेयर करें Qualcomm Snapdragon 855 से जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर था 2019 का, तो उसका अंतुतु स्कोर इक्वल आता है। और गाइज, ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको एक बहुत ही बेटर फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है 64MP के प्राइमरी सेंसर के साथ जिसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 22MP के मैक्रो और डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएंगे। 32MP का एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी कैपेसिटी जो कि 65W के सुपर डार्ज फास्ट चार्जर के साथ आने वाली है। तो गाइज, इसका जो प्राइस पॉइंट है अगर वो इक्वल आता है 25,000 के, तो ये स्मार्टफोन OnePlus से अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर लगा और क्या आप उसको कंसीडर करना पसंद करेंगे। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।